हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं अपने फेस से। एंड ये आजकल बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक पर रिक्वेस्ट आ रही है मुझे कि पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए बताएं। इंस्टाग्राम पे खासकर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ उससे पिगमेंटेशन आपके 110% रिमूव हो जाएगी अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे यूज़ करते हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है ये पिगमेंटेशन को रिमूव करने का। एक्चुअली पिगमेंटेशन एक एज वाला सिम्टम होता है, जब हमारी एज थोड़ी ज़्यादा हो रही होती है तो ही लोगों को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। वैसे कम एज वालों को तो मैंने नहीं देखा है, कभी कदार ऐसा होता हो किसी को हो जाता होगा, वैसे तो ये एक एज फैक्टर है। तो इसके लिए जो ये मैं ट्रीटमेंट बता रही हूँ ये एक या दो बार करने से आपकी पिगमेंटेशन नहीं रिमूव होगी। पिगमेंटेशन एक बहुत ही ढीठ टाइप की चीज़ होती है जो बहुत ही आसानी से रिमूव नहीं होती, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो आपकी पिगमेंटेशन रिमूव हो जाएगी। तो दो सिंपल स्टेप मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एक क्लेंज़र है एंड एक फेस पैक है, दोनों को एक साथ यूज़ करना है जब भी यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है एंड कैसे यूज़ करना है, पर उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के आपको अपडेट मिल सके जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लेंज़र बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक क्लेंज़र फॉर्म कर लेंगे। इसके लिए हम लोग को चाहिए ऑरेंज पील पाउडर, सबसे पहला इंग्रेडिएंट है रिमूव करने के लिए हाइपर पिगमेंटेशन और किसी भी तरह के स्पॉट वगैरह पिगमेंटेशन वगैरह को दूर करने के लिए एक बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है। इसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है जो कि स्किन से स्पॉट्स वगैरह को रिड्यूस करके स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में हेल्प करता है, एक बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑरेंज पील पाउडर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला का पाउडर, इसमें होता है हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी और ये भी एक बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है आपकी फेस से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए। 1 टीस्पून इसमें आंवला का पाउडर भी ऐड कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो कि हेल्प करता है स्किन से डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को फेड करने में। मिक्स करके एक क्लेंजर फॉर्म कर लेंगे। ये बनके रेडी है। तो इसको अपने पूरे फेस पे आपको अप्लाई करना है, जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से अपने फेस को इसे क्लेंस करना है। इससे आपकी स्किन की सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन से जो भी डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन ब्राइटन अप हो जाएगी। एंड पिगमेंटेशन को रिमूव करने में ये क्लेंज़र बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं। तो मैं बार बार इस वर्ड लॉन्ग टर्म या फिर लंबे टाइम को यूज़ इसलिए कर रही हूँ कि ये पिगमेंटेशन के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ एंड ये एक या दो बार में नहीं जाती। तो यूज़ करने के बाद प्लीज़ आके कमेंट मत करिएगा कि मैं 2 बार यूज़ कर चुकी हूँ, 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ और अभी तक पिगमेंटेशन है, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस है, इसको बार बार आपको यूज़ करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगता है पिगमेंटेशन को जाने में। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेस पैक। तो फेस पैक प्रिपेयर कर लेते हैं। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर ले रही हूँ। बहुत ही अच्छा होता है स्किन से डार्क स्पॉट्स वगैरह को दूर करने के लिए, स्किन को डीपली क्लीन करता है और स्किन को लाइटन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कस्तूरी टर्मरिक पाउडर, अगेन वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है स्किन से डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन को रिमूव और रिड्यूस करने के लिए। 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि कस्तूरी टर्मरिक है, अगर आप नॉर्मल किचन में यूज़ करें तो पिंच ऑफ ही इसमें ऐड करें क्योंकि उसमें स्टेन काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लेमन, हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है इसमें, स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में हेल्प करता है। लास्ट में इसमें मिल्क ऐड करेंगे क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है और स्किन से ये पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को और ये हमारा फेस पैक बनके रेडी है। इस फेस पैक को आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है, जिसमें अप्लाई करके दिखा रही हूँ। और अप्लाई करने के बाद आपको 20-25 मिनट्स का वेट करना है, उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लें। और इस रेमेडी को, दोनों चीज़ों को आपको एक साथ यूज़ करना है वीक में 2 से 3 बार। जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं नेचुरल रेमेडीज़ से सारी चीज़ें आपको बता रही होती हूँ, बिल्कुल नेचुरल होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता आपकी स्किन पे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है तब ये चीज़ें वर्क करती हैं। ये कोई मार्केट वाली क्रीम या फिर केमिकल वाली क्रीम्स तो है नहीं कि आप लगाएं और फौरन फर्क पड़ जाए एंड उसके बाद उसका उल्टा असर भी होना शुरू हो जाता है। तो नेचुरल रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ जो मैं खुद अपने स्किन पर अप्लाई करती हूँ, जब मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले तो नीचे कॉमेंट करें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे किसी भी हेल्पफुल वीडियो को आप मिस ना कर सके। तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।